यश का क्या कहलाता है, मैं बड़ी ही मुश्किलों से अभीर को अभिनव और अक्षरा मिलकर अभिमन्यु के साथ बिरला मेंशन तो भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन खुद के लिए अभीर के मन में नफरत या फिर कह सकते हैं एक छोटा सा हेट्रिक पैदा करके। वहीं अब हम देखने वाले हैं कि ना तो वो गोइंका हाउस में अक्षरा और अभिनव का मन लगने वाला है, ना ही वहां बिरला मेंशन में अभीर का मन, क्योंकि वो जो 6 साल पुराना कनेक्शन है वो ऐसे थोड़े ना टूट जाएगा और ना ही कभी भी टूटेगा। वहीं अब हम देखने वाले हैं कि जिस बात का डर किसी को भी नहीं लग रहा है, उसी बात का डर और उसी बात की वार्निंग जो है वो रूही आरोही को देती नजर आने वाली है। यानी कि रूही चाहती है कि अभीर उनके साथ रहे, लेकिन रूही ये भी कहती नजर आने वाली है आरोही से कि भले ही अभिमन्यु जो है यानी कि उनके पॉपी अभीर को ले आए हो बिरला मेंशन, लेकिन अभीर यहां खुश नहीं रहने वाला है। यहां तक ही कहीं ऐसा ना हो कि अभीर खुद ब खुद अक्षरा और अभिनव के पास जाने के लिए उनकी याद में भाग ना जाए, और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं आरोही भी शॉक रह जाती है। तो अब जिस तरह से रूही को एहसास हो गया है कि अभी जो है वो अक्षरा और अभिनव के बिना नहीं रह सकती है, आखिरकार ये एहसास मंजरी माँ को कब होगा? क्योंकि अगर मंजरी माँ इस तरह से अभिमन्यु को नहीं उकसाती तो शायद ये जो भी हमें ये दृश्य में देखने को मिल रहा है ये नहीं होता। अभिमन्यु इस तरह जबरदस्ती अक्षरा और अभिनव से अभीर को छीन कर नहीं लेकर आते। हालांकि वो छीन कर नहीं लेकर आए हैं बल्कि कोर्ट केस जीते हैं वो, लेकिन मंजरी माँ ने ही तो वापस से इस कस्टडी केस को ओपन करने की बात कही थी, और वो ही बार बार चाहती है कि अभीर उनके साथ रहे। आखिरकार ये रियलाइजेशन मंजरी माँ को कब होगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ अक्षरा अभिनव के साथ ही खुश रह सकते हैं? जानने के लिए स्वागत किशोर ये रिश्ते को देखते रहिए। स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।